वो मनुस्मृति जो महिला को पत्नी को पति की संपत्ति बताती हो, जो महिला को किसी भी प्रकार का अधिकार देने से वंचित करती हो, जो महिला को मानवता का अधिकार देने को भी तैयार ना हो, जिस तरह चुन चुन के बोलने की आज़ादी लोगों की खत्म की जा रही है, उनको झूठे मुकदमे बनाकर उनको जेल में डाला जा रहा है, जो पत्रकार बीजेपी का प्रवक्ता बन जाता है उसको गुणगान होता है, उनको सारे सरकारों के पूरे विज्ञापन मिल रहे हो, अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानी इस बात से डरते कि जेल में डाल दिए जाएंगे तो क्या भारत आज़ाद होगा? कुछ लोगों को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। और मैं इस बात को मानता हूँ कि हमें स्वयं को अपने को तैयार करना चाहिए कि हम कुर्बानी, बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। केंद्र की सरकार या कोई भी ऐसी एजेंसी जांच कर ले, मुकदमा बना दे, जेल में डाल दे, जो मर्जी कर दे, लेकिन हम बोलना बंद नहीं करेंगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। एक तरफ संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी पे हम बात कर रहे हैं, 100 साल हुए, और लोकतंत्र में अदालत में महिलाओं की एंट्री को भी 100 साल हुए, उसके लिए आप सबको बधाई। और ये जो सब्जेक्ट मेरे बोलने के लिए है, संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी, जैसा मैत्री जी अभी बोल रही थी, मैं खुद पर्सनली इस बात को महसूस करता हूँ विधानसभा के अंदर, कि विधानसभाओं में, संसद में या निगम के अंदर या पंचायत में, चूंकि महिलाओं की सीटें जिला पंचायत और पंचायत के अंदर और निगम के अंदर तो रिजर्व हैं, विधानसभाओं में और संसद में रिजर्व नहीं है, लेकिन जहां पर रिजर्व हैं वहां भी हालात ये है कि महिला ग्राम प्रधान होगी लेकिन उसका सारा काम जो प्रधान को करना चाहिए वो, मेरा अनुभव है कि उनके पति या मेल मेंबर्स, पति या पुत्र या मेल मेंबर्स उसका सारा काम देखते हैं, अपवाद हो सकता है कहीं। और निगम में भी हम देखते हैं, और विधानसभा में मेरी बहुत साथी महिलाएं हमारी विधायक हैं, लेकिन मैंने बड़े नजदीक से उनको और उनके परिवार को भी देखा है। अगर उनका बस चले, अगर इस तरह की आजादी हो पुरुष को, तो वो विधानसभा और संसद के अंदर भी पत्नी की वजह वो ही चले जाए। ये कड़वा सच है। बेशक वहां मजबूरी है, नहीं जा पाती, लेकिन बाहर उनका सारा काम उनके पति, उनके देवर जेठ और उनके पुत्र ज्यादातर वही देखते हैं। हो सकता है मेरी बात किसी को चुभे, जो मेरी साथी कुलीग हैं वो, उनको भी शायद बुरा लग जाए, लेकिन सच तो सच रहेगा, वो बोलना भी पड़ेगा। पहली बात तो ये सोचना गलत है कि महिलाएं काबिल नहीं होती। महिलाओं में काबिलियत की कोई कमी नहीं है, लेकिन पूरे दुनिया में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है और भारत में आज भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। एक तो इस सच को स्वीकार करना चाहिए। आप याद कीजिए, जब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर 1951 में हिंदू कोड बिल लेकर आए, पूरा का पूरा सदन, संसद के सभी सदस्य डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के खिलाफ हो गए और हिंदू कोड बिल जिसमें महिलाओं के हक अधिकार की बात थी वो बिल गिर गया। और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने रिजाइन किया कि अगर मैं अपने देश की महिलाओं को उनका हक अधिकार ना दिलवा सका तो फिर मुझे कानून मंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है। दुख तब होता है जब उस लड़ाई को में जो भागीदारी बननी चाहिए महिलाओं की, जब वो नहीं बनती है। कोई किसी से पूछे आपकी पत्नी क्या करती है, अगर वो नौकरी में है तो वो बताएंगे कि भी वो जज है, वकील है या कलेक्टर है या कुछ है, और अगर वो घर पे है, नौकरी में नहीं है, कहते कुछ नहीं करती, वो हाउसवाइफ है। ये बेहद शर्मनाक स्टेटमेंट है कि वो कुछ नहीं करती। सच्चाई है कि पूरे घर को अगर कोई संभालता है
तो अपने घर में खुद जाके देख लेना अच्छे से। कई बार पति को पता भी नहीं होता बच्चे होमवर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे, बच्चों को खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा, तुम्हारे कपड़े कौन तैयार करके दे रहा है। हालांकि ये सिस्टम उतना उचित नहीं है कि महिला सारा काम करे, लेकिन व्यवहार में आचरण में यही है। इस सच को झुठलाना ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर काबिलियत की बात करें, अगर लीडरशिप की बात करें, अगर क्वालिटी की बात करें, तो चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही हो, चाहे बहन मायावती रही हो, चाहे ममता जी रही हो, चाहे जयललिता जी रही हो, उन लोगों ने अपनी काबिलियत को और अपने नेतृत्व को कडंका भजवाया है। जो हमारी लेखिकाएं हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अलग अलग फील्ड में, वहां महिलाओं ने अपनी काबिलियत को साबित किया है। अनफॉर्चुनेटली महिलाओं की स्थिति भारत में जिस तरह अछूतों की स्थिति रही है, दलितों की, पिछड़ों की जो स्थिति रही है, आदिवासियों की जो स्थिति रही है, वही स्थिति भारत में महिलाओं की आज तक बनी हुई है। और मेरा ये मानना, पुरुष तो जिम्मेदार है लेकिन इसमें महिलाएं भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं। अगर अपनी लड़कियों को वो अपने लड़कों के बराबर खाने पीने में और व्यवहार में, आचरण में, ओढ़ने पहनने में, घर से निकलने में प्रतिबंध अगर कोई लगाता है तो महिला ही लगाती है। मैं राजनीति में आने से पहले 22 साल मैंने वकालत की है और अपने वकालत के अनुभव से आपको बताता हूं। चूंकि जब पिटीशंस पढ़ते थे, एलिगेशंस पढ़ते थे, ये एलिगेशन रेयर मिलता था कि ससुर ने दहेज मांगा या ससुर ने गाली दी या बदतमीजी की। 90% केसेस में एलिगेशंस सास के ऊपर होते हैं। उत्पीड़न 90% केस में सास करती हैं। तो मेरा मतलब, कहने का मतलब यह है कि व्यवस्था ऐसी क्यों है, क्यों बनी, उसके कारण को भी समझना जरूरी है। अगर हम कारण को नहीं समझेंगे, उसमें नहीं जाएंगे, उसको नहीं जानेंगे, तो निराकरण शायद संभव नहीं होगा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में मनुस्मृति को पढ़ना जरूरी है। वो मनुस्मृति जो महिला को, पत्नी को पति की संपत्ति बताती हो, जो महिला को किसी भी प्रकार का अधिकार देने से वंचित करती हो, जो महिला को मानवता का अधिकार देने को भी तैयार ना हो, यानी जैसे आज भारत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए संविधान से चल रहा है, तो पहले इस संविधान से पहले तो भारत मनुस्मृति से चलता था। और मनुस्मृति में महिला को संपत्ति का अधिकार नहीं है, पुरुष के बराबर तो छोड़िए, उसको तो इंसानियत का भी अधिकार नहीं है। और उसी व्यवस्था को, जो व्यवस्था किसी को जन्म से नीच, किसी को जन्म से ऊंच बनाती हो, जो व्यवस्था महिलाओं को संपत्ति और प्रॉपर्टी की तरह देखती हो, और अगर महिलाएं भी उस व्यवस्था को ही पाल पोस रही हो, तो समाधान कैसे होगा? मुझे लगता है कि हमें सबको मिलके इस पे काम करने की जरूरत है। महिला भी अपने नेतृत्व को मजबूत करे। अगर महिला पंच है तो, अगर वो प्रधान है तो है, अगर वो सांसद है तो है, विधायक है तो है, उसको बिल्कुल अपने अधिकार को अपने पास रखना चाहिए, अपने बच्चों को, पति को नहीं देना चाहिए। लेकिन आचरण में जो चल रहा है, इसमें मुझे लगता है कि जो पुरुष का पुरुषार्थ है वो सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। मेल डोमिनेटेड जो एक व्यवहार और आचरण में उतर आया है, उसको बदलने की जरूरत है। और वो उसमें महिलाओं को भी आगे आना पड़ेगा। पुरुषों को तो करना ही पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा, महिलाओं को स्वयं आगे आना होगा। महिलाओं को अपनी लड़कियों में ये, उनको ये सिखाना ही नहीं चाहिए कि तुम कमजोर हो,
जब माँ लड़की को कहती है तुम कमजोर हो या तुम घर से बाहर ऐसे टाइम पे मत निकलो, ऐसे कपड़े मत पहनो, तो वहीं उसी क्षण हम महिला को महिला ही कमतर आंक देती है। और ये तो एक नेगेटिव पक्ष है, लेकिन एक पॉजिटिव पक्ष भी है। केवल नेगेटिव पे चर्चा करेंगे तो बात नहीं बनेगी। पॉजिटिव पक्ष यह है कि महिलाओं ने पूरी दुनिया के अंदर अपनी काबिलियत और अपना नेतृत्व साबित किया है। महिला के बिना दुनिया चल ही नहीं सकती, जीवन नहीं चल सकता। महिला जितना दर्द बर्दाश्त कर सकती है, महिला जितनी शक्तिशाली है, जो सहन शक्ति महिला के अंदर और पुरुष में नहीं है। और महिलाओं को जब जब मौका मिला, पूरे इतिहास में हम देखते हैं, महिलाओं ने अपने काबिलियत को, अपने नेतृत्व को, नेतृत्व की क्षमता को, अपने समर्पण को और अपनी शक्ति को, हर चीज को साबित किया है। हमें जो माइंडसेट हमने बना लिया, इस माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। जो अभी ये पत्रिका जो आपने निकाली है, इसमें समता, आजादी और अधिकार, इन तीन शब्दों पर केंद्रित ये पत्रिका है। लेकिन आज देश में कहीं समता नजर आती है क्या? आजादी कहीं नजर आती है? अधिकार कहां है? जो भारत का संविधान ये सारे अधिकार देने की बात करता है, जिसकी शपथ लेकर हम MLA MP बनते, मंत्री बनते, राष्ट्रपति बनते, जज बनते हैं, उसी शपथ को हम शपथ लेने के बाद तोड़ देते हैं। जो फंडामेंटल राइट, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो या दूसरे बाकी अधिकार हो, मैं मानता हूं उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन आज जिस तरह चुन चुन के बोलने की आजादी लोगों की खत्म की जा रही है, उन पर झूठे मुकदमे बनाकर उनको जेल में डाला जा रहा है, जो पत्रकार BJP का प्रवक्ता बन जाता है उसको गुणगान होता है, उसको सारे सरकारों के पूरे विज्ञापन मिल रहे, वो पत्र पत्रिकाएं, वो न्यूज चैनल पनप रहे, खूब अमीर हो रहे हैं, और जो सच की बात करे उसके छापे लग रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उन पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है। तो स्वतंत्रता बची कहां है? समता का व्यवहार है नहीं, अधिकार किताबों में रह गया है। जो लोग जिस संविधान की शपथ लेते हैं, आर्टिकल 51 पढ़ लीजिए आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करो, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात भी करता है। साइंटिफिक टेम्परामेंट तो आज बिल्कुल भी नहीं है। जो बात अब से करीब 800-900 साल पहले संत कबीर ने बोल दी, आज आप बोल दो, जस्टिस कुलस्ते पाटिल जी सही कह रहे थे, तो जेल में जाने का डर लगा रहता है लोगों को। लेकिन मैं पाटिल साहब की इस बात से सहमत हूं, हमें अब जेल में जाने के डर से बाहर निकलना होगा। अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानी इस बात से डरते कि जेल में डाल दिए जाएंगे तो क्या भारत आजाद होता? कुछ लोगों को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। और मैं इस बात को मानता हूं कि हमें स्वयं को, अपने को तैयार करना चाहिए कि हम कुर्बानी, बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। केंद्र की सरकार या कोई भी ऐसी एजेंसी जांच कर ले, मुकदमा बना दे, जेल में डाल दे, जो मर्जी कर दे, लेकिन हम बोलना बंद नहीं करेंगे। बिना बोले काम चलेगा नहीं, वरना सब खत्म तो ऑलमोस्ट हो गया है। जो अधिकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दे कर गए, सुनिश्चित कर गए, 70% तो जा चुके हैं, हमारी आंखों के सामने चले गए। हम लोगों ने जितना विरोध मजबूती से करना चाहिए था वो नहीं किया। लेकिन आज भी अगर हम इस लड़ाई को सही दिशा में एकजुट होकर मजबूती के साथ लड़ें तो शायद कुछ बच जाए, वरना तो डेमोक्रेसी ही खतरे में है। और जब डेमोक्रेसी खतरे में हो, जब बाबा साहेब का संविधान खतरे में हो और मनुस्मृति का गुणगान हो, और मनुस्मृति के रचनाकार की मनु की मूर्ति जब कोर्ट के अंदर लगी हो, हाई कोर्ट के अंदर, तो फिर न्याय की बात सोचना, और जुडिशियल ऑफिसर्स जब जुडिशियस डिसीजन देना बंद कर दे, जब माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के अंदर न्याय नजर ना आए,
तो क्या हम इस बात से डरें कि हम अगर गलत बात की आलोचना करेंगे, सच बोलेंगे तो जेल में डाल दिया जाएंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगी, तो क्या हम बोलना बंद कर दें? मुझे लगता है कि बोलने का समय है, सच के लिए बोलना चाहिए, देश को बचाने के लिए बोलना चाहिए, मानव अधिकार बचाने के लिए बोलना चाहिए, और हम सबको जो अधिकार हम अपने लिए सुनिश्चित करना चाहते हैं, हम दूसरे के भी तो अधिकार की इज्जत करें। जो पुरुष इज्जत चाहता हो वो महिला की भी तो इज्जत करे, जो पति पत्नी से इज्जत चाहता है और चाहता है वो मेरी भावनाओं की कदर करे, वो ये भी तो ध्यान रखे कि क्या मैं पत्नी की भावनाओं की कदर कर रहा हूं। मुझे लगता है कि ये 22 वर्षा है, हमें सबको चाहिए कि हम अपना जो आचरण अपने साथ चाहते हैं, दूसरों का व्यवहार चाहते हैं, वही व्यवहार हमें भी दूसरों के साथ करना होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ, बोलने को तो सब्जेक्ट ऐसा है, किताबें लिखी जा सकती हैं इस सब्जेक्ट पे, और चूंकि बड़े विद्वान लोग आए हुए हैं आज के इस आयोजन में, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे बुलाया और सम्मान दिया, मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भारत।